की मान्यता कुछ चुनौती है, वो कर है अपने अपनी बेचैनी और बेचैनियों के लिए उससे अवगत नहीं करता है और अब तक की लोग की विदाई रही है उसका गुस्सा समय उस गुस्से की बात कर जो संवैधानिक दायरे के भीतर सब तरीके से किया जाए। आपको लग रहा है कि आप चीज को एंटिस कर रहे हैं, इस चीज को कर रहे हैं, वो भाषा है वो चली गई और इस स्थिति में मुझे खुद लगा है कि ये कोई बड़ी चुनौती आ गई है, पर सोचते हुए यही लगता है कि बहुत एक आसान दौर पर हमें कुछ जरूरत से ज्यादा मुश्किल बन गई कि अब हम खुद ही सर पर हाथ धरे बैठे हैं कि क्या करें और जो भी चुनौती है वो संवाद की चुनौती है, वो कहे जाने की चुनौती है और जिस तरह से बात कही जा रही है उसे सुन जाने की चुनौती, ये चुनौती आनी इसमें आपकी की गलतियों की वजह से चुनौती नहीं आई है, वो टेक्नोलॉजी का विस्तार पिछले 40 साल में रहा था उससे धीरे धीरे आ रही थी और कई लोग इससे बात में पिछले 6 साल में कई दफा सुना कि वो कई ऐसे टोटेरियनिज्म वाली सरकार का उदाहरण देते रहे कि वो आई और चली गई पर मैं जरूर चली गई, उनका राज जो था वो खत्म हो गया लेकिन आप ऐतिहासिक रूप से देखें तो फिर से और बेहतर तरीके से और नियोजित तरीके से वो दौर आने की प्रक्रिया कभी रुकी नहीं बल्कि वो प्रक्रिया चलती चली गई और जो जीवन की जो परिस्थितियां हैं जिसमें हम ज्यादातर लोग बहुत कम अपेक्षा रखते हैं अपने मेहनत से ज्यादा पाने के लिए उसकी तुलना में पाने के लिए, आप इस उदाहरण देखें कि लाखों की संख्या में मजदूर बिहार और यूपी जाने के लिए बाध्य हुए, वो दृश्य देखा नहीं जा रहा था लेकिन फिर वो जाने के बाद वो मजदूर हैं वो अपने उस आर्थिक स्थिति को लेकर बहुत नाराज नहीं है, वो उससे बहुत दूर जा चुके हैं और वो इतनी भयावह स्थिति भी उनकी स्मृति से बहुत दूर जा चुकी है, कुछ में एक लोकतांत्रिक तरीके से मौजूद है लेकिन अब वो जानता है कि इस आर्थिक रास्ता है एक तरह से उसका उसके पास विकल्प नहीं, जो उसकी आजादी बची है सिर्फ दो दलों के बीच या 5 दलों के बीच निर्णय लेने की आजादी बची है कि वो किसे वोट दे सकता है और वो गुस्से वोट देता है कभी यहाँ देता है फिर देकर वहां देता है, लेकिन हम वो समझ नहीं पाते कि जो अर्थतंत्र है और राजनीतिक तंत्र है दोनों में अभी अंतर रहा नहीं, दोनों उसी मास्टर के एक तरह से तहत काम करने वाली व्यवस्थाएं हो गई हैं, जैसे लाखों लोग राजनीतिक दल के भीतर काम करते हैं, अलग अलग राजनीतिक दल के भीतर काम करते हैं लेकिन लाखों लोग ये समझेंगे लोकतंत्र के काम करते हैं जबकि वो अपने ही दल के भीतर लोकतंत्र की बात नहीं करते हैं, ऊपर से फरमान आता है तो उसे वो पार्टी के आदेश को सर्वोपरि समझें, अपने लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति को या उसी प्रक्रिया को सर्वोपरि नहीं समझते, वो विधायक चुने जाते हैं वो सांसद चुने जाते हैं लेकिन संसदीय प्रक्रिया को कि उसको जो संस्था उस सरकार से ऊपर और अलग है तो वो उसकी भागीदारी को उस दायरे में नहीं समझते, मैं कभी सोचने का प्रयास करता हूँ आज ही उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र कितना संसद है, सिर्फ 3 दिनों का सत्र है, पूरी दुनिया के कई बड़े देशों में संसद के सत्र चले हैं लेकिन भारत में नहीं चला है और लोग समझ नहीं पाते हैं अभी भी कि संसदीय प्रक्रिया के जीवन में क्या योगदान है, वो जितनी तरह से अभी आप लड़ाइयां देख रहे हैं किसान प्रश्न कर रहे हैं बहुत सारे छात्र कुछ पढ़ा को लेकर कुछ नौकरी को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं,
मगर उनकी अभिव्यक्तियों में या उनकी उनके एस्पिरेशन में, आकांक्षाओं में, डिजायर में ये बात आती ही नहीं है कि संसद और विधानसभा बुलाइए, हमारी समस्या पर आप चर्चा कीजिए। हम देखना चाहते हैं कि हमारी समस्या को लेकर जो दल हैं वो कहाँ खड़े हैं, वो उसकी स्मृतियों से, लोकतांत्रिक चिंताओं से व्यवस्थाएं चली गई, ये एक दिन में नहीं गई, ये पिछले 30 साल से ये प्रक्रिया चली है। विधानसभाओं के सत्र बहुत कम हो गए और विधानसभा में पूछे जाने वाले प्रश्नों की महिमा बहुत कम हो गई, जिसमें एक कोई भी विधायक जब सरकार से सवाल करता है तो उस जवाब देना अनिवार्य होता है, वो जो जो विभाग होता है। लेकिन 2 साल पहले की बात हमने देखा था कि अब ऐसा सुनने को मिला था राजस्थान में कि कई हजार प्रश्न लौटा दिए गए। प्रश्न का लौटाना क्या होता है, तो इस पर एक लोकतांत्रिक रूप से सजग समाज को, सामाजिक व्यवस्था को बहुत सतर्क जाना चाहिए था कि प्रश्न से लौटाया जा सके। जो भी विधायक ने जनता की समस्या से जुड़े प्रश्न पूछे हैं उसका जवाब तो इस सत्र में दिया जाना चाहिए, कि कई सत्रों के बाकी प्रश्न है तो लोगों से पता की हमारे बातें सत्री चली जा रही है। जो सांसद हैं और विधायक हैं वो जनता के वोट लेकर उनके प्रतिनिधि बनते जरूर हैं, पर उनकी समस्याओं को लोकतंत्र के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म पर राज्य में विधानसभा और प्रदेश में लोकसभा राज्यसभा वहां पर उस तरह से उनकी डिजायर थी कि हाँ ये अभी बहुत फ्रस्ट्रेशन हो गया है, संसद का सत्र बुलाया जाना चाहिए। कोई नौकरी तो है नहीं, संसद के सत्र को तो यूं ही चलते रहना चाहिए। हाँ अगर कोई सवाल पूछा गया है तो उसमें तय होना चाहिए कि यहाँ कोई मंत्री आकर जवाब देगा। तो इस तरह से अगर आप देखें तो संसदीय व्यवस्था हमारी लोकतांत्रिक भागीदारी से खत्म हो गई। और मैं ये सोचता रहता हूँ कि जब भी हम कहते हैं कि डेमोक्रेसी खतरे में है या उस पर नई चुनौतियां आई हैं, तो लोग उससे हैरान क्यों नहीं होते हैं, लोग परेशान तो नहीं होते हैं कि हाँ ये नहीं होना चाहिए, लेकिन वो इसलिए नहीं होते हैं कि उनकी स्मृतियों से और उनकी नजरों से लोकतंत्र की सारी संस्थाएं बहुत पहले दूर आ चुकी थी। वो अब संसद या विधानसभा को नहीं पाते, वो अपने सांसद पे गुस्सा नजर नहीं निकालते हैं कि आप कहाँ थे, आपने हमारी बात नहीं उठाई, वो एक सांसद का मूल्यांकन करते हैं तो इस बात को नहीं कहते कि इनको चुनकर भेजा था। तो लोकसभा में अपने सदस्य क्षेत्र के समस्या को लेकर और अंतरराष्ट्रीय को लेकर कितने विधेयक पेश किए इन्होंने और किस तरह की भागीदारी की, उस भागीदारी में भाषण दिया, उस भाषण में उनकी अपनी तैयारी कितनी थी या पार्टी सरकार की प्रशंसा, तो वो अपने विधायक को या सांसद को जिसे चुनता है उसे लोकतंत्र के सबसे मान्य मंदिर में परफॉर्म करते हुए नहीं देखता है कि ये जो हमारा पुजारी है जिसने चुना है इसको हनुमान चालीसा मालूम भी है कि नहीं मालूम, इसको गणेश चतुर्थी के गणेश जी के सारे श्लोक मालूम भी है कि मालूम है, उसमें तो जानता भी है कि नहीं जानता। तो इस तरह से हम यही लग रहा था कि चुनाव आयोग कि हम सब के लोकतांत्रिक जीवन में एक ही चीज को बड़ा किया गया कि आप वोट देने जाइए, 60% की तुलना में 80% हो जाए तो ये लोकतंत्र का सबसे उत्सव क्लियर हो जाता है और उसमें कुछ शर्मिंदा हुआ हम चुनते हैं, ओ दक्षिण में ही है 45% वोटिंग होता है ये शर्मनाक है, ओ दक्षिण दिल्ली है यहाँ पर 50% होती है ये शर्मनाक है, वो देखिए गांव वाले इतने अच्छे हैं जहां पर 80% वोटिंग हुई है और इस प्रतिशतों के खेल में इस बात को दरकिनार कर दिया जाता है कि रातों क्या बटा क्या क्या नहीं बटा, क्या उन्होंने लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जहां वो 80% की गिनती शामिल होने के लिए पहुंचे हैं उसके पहले उन्हें फ्री एंड फेयर इलेक्शन का प्लेटफॉर्म दिया गया, शायद नहीं दिया गया, तो रात को शराबें बढ़ती हैं, पैसे बढ़ जाते हैं, सब तक ऐसा नहीं होता है मगर ऐसा होता है, जनता विद्रोह क्यों नहीं करती, आप कैसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया से पहले मतदान से पहले आप शराब या पैसा बांटने आ सकते हैं, ये एक ऐसी स्थिति है कि जनता को
रिवोल्ट करना चाहिए। रिवोल्ट से मेरा मतलब है कि उसे आपत्ति दर्ज करनी चाहिए और आपको सूचित करनी चाहिए कि आप रहते देखिए यहाँ शर्म कट रही। लेकिन इस दौर में जिसके पास मोबाइल है और उसके पास वीडियो बनाने की क्षमता है, आप देखेंगे कि दारू और पैसा बढ़ने कोई वीडियो वायरल नहीं हो रहा है। या तो मान लिया जाए कि ये खत्म हो गया है, सिर्फ हमारी कल्पनाओं में है, इसकी घोषणा कर देनी चाहिए, वाकई नहीं होता है। क्या होता है तो ये जो राज है वो सबके स्मार्टफोन से क्यों नहीं वायरल हो जाता। जिस तरह से आज ही जफरपुर से किसी ने मुझे फोन किया कि एक महिला ने लोगों की जान बचाई है, बड़ा बहादुर काम किया, वीडियो वायरल कर। मैं क्या कर दूं वीडियो वायरल, बोला उसने एक सांप मार दिया। मैं बहुत बड़ा अच्छा काम किया आपने, अब उनसे मैं क्या बहस करता। तो हमने लोकतंत्र की से संबंधित जो तालीम जो एजुकेशन है उसका या जो इंफॉर्मेशन है उसका समाज में समान रूप से वितरण नहीं किया। ये इंदा के स्तर पर भी ये ज्यादा इन लोगों के बीच ही घूमता रहा लोकतंत्र का सवाल। जनता के बीच में वो सवाल बहुत पहले से गायब होगा। इसलिए अदालत हो या संसद हो या फिर सरकार हो या फिर और जो दूसरी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका संवैधानिक पर काम ही करने जनता बहुत हैरान नहीं होती है। इसको लेकर सोचा जाना चाहिए और पर जनता के पास एक अभिव्यक्ति जैसी चीज बची हुई थी कि राह चलते वो अपनी कल्पनाशीलता से किसी के बारे में कुछ कहती, राजनीति के बारे में या भले ही राजनीति के बारे में उस तरह से ना कहती होगी जैसे वो समझ रही है कि दो राजनीतिक दल की सरपे की दुकान है, वो ना समझ रही हो, लेकिन तब भी वो एक तरह से एक राजनीतिक अभिव्यक्ति करती थी कि अच्छा इस चुनाव में हम इनको सबक दिखाएंगे। वो अभिव्यक्ति खत्म हुई है और देश की जनता के बीच में दो तरह की जनता है, एक स्टेट की जनता है और एक जनता है। स्टेट की जनता वो है जो आप कह सकते हैं कि लगातार मीडिया तंत्र के द्वारा तैयार की गई जनता है, जो आपके बोलने पर किसी इंडिविजुअल के बोलने पर डांटे खड़ी हो जाती है, यानी गालियां देती है, इस तरह का माहौल बनाती है कि आप आइसोलेटेड या अलग फील करते हैं, महसूस करते हैं। तो ये एक लड़ाई चल रही है स्टेट की जनता और जनता के बीच में। इसमें स्टेट है अब वो फैसिलिटेटर है, सुविधाएं मुहैया करा रहा है। अभी आप देख रहे हैं, देखा होगा आपने कि मीडिया ट्रायल के बहुत उदाहरण आप मिलेंगे भारत के टेलीविजन या मीडिया के इतिहास में, लेकिन इसका फॉर्मलाइजेशन औपचारिकरण आपको पहले मिलता है सुशांत सिंह राजपूत केस में। कुछ जाने इसको आउट ऑफ द वे जाकर कई तरह के किस्से करते हुए उस पॉइंट पर आते हैं कि माता कोर्ट में जाता है और उसे मिलती जुलती चीजें जो डिमांड रहे हैं फैसला हो जाता है, दो राज्य की सरकारें आपस में लड़ जाती हैं और जो भी फैसला होता है उससे वो मीडिया अपने आप को विजयी घोषित करता है उस फैसले के बाद कि हमारी कोई जीत हुई है। लेकिन वही मीडिया किसी और जनता या उसी प्रकार के कांड को लेकर कभी इतनी सक्रियता नहीं दिखाएगा। तो एक तरह से ये एक्सटेंशन है स्टेट के, जो स्टेट की जनता तैयार करते। पहले स्टेट की जनता सिर्फ राजनीतिक दल के भीतर हुआ करती थी और थोड़े से उसके कुछ समर्थक हुआ करते थे जो सत्ता तंत्र की कुर्सियों पर बैठे होते थे, सामान्य लोग में नहीं होते थे। लेकिन सामान्य लोगों में इस टेक्नोलॉजी के जरिए एक सॉलिड तरीके से फॉर्मल जनता बनाई गई है, जिसके कारण जो इंडिविजुअल की भाषा है, जो लोकतांत्रिक भाषा होनी चाहिए, उसी जगह पर दीनता हीनता की भाषा आ गई है। वो अपने अधिकार को नहीं जताता है कि यह संविधान प्रदत्त अधिकार है, यह हमें मिलना चाहिए, कैसे नहीं दिया जा सकता। तो एक आदमी आप देखेंगे कि अपने प्राइवेट स्पेस में हर दिन अपने आप को ट्रेन कर रहा है, प्रशिक्षित कर रहा है कि किस तरह से कम बोले, और अब कम बोलता है और बगैर किसी चुनौती के बोलता है। और उसी तरह से आप एलिट लेवल पर जाकर देखें तो वहां भी लोग ये अपने आप को रीट्रेन कर रहे हैं, फिर से ट्रेनिंग दे रहे हैं कि बहुत कुछ ना बोलकर कुछ कैसे बोला जाए।
पहले ये होता था कि कुछ ना बोलकर बहुत कुछ कैसे बोला जाए, पर अब है कि बहुत कुछ ना बोलकर कुछ बोलने को बोलना कहा जा रहा है। तो ये एक बदलाव आ गया है कि लोकतंत्र की पुरानी भाषिक मर्यादाएं जो लैंग्वेज से बनाई गई वो समाप्त हो गई। न्यूज एंकर अगर आपको पसंद नहीं करता है, नाम लेकर गाली देकर भीड़ को उकसाने वाली भाषा में बात करता है। और दो तरह की भाषा है, ये जो एक है जो प्रधानमंत्री या स्टेट के रिजर्व है जिसके सत्ता की तरफ से वो बल्लेबाजी करता है, और एक भाषा है विपक्ष की भाषा। तो वो विपक्ष पर लगातार हमले करता है। तो इससे क्या हो रहा है कि एक व्यक्ति जो है वो डर जा रहा है, वो कम बोलने लग रहा है, या चार व्यक्ति डर जा रहे हैं। तो इस तरह से समाज के भीतर का विपक्ष खत्म हो जा रहा है। सिर्फ राजनीतिक दलों का विपक्ष खत्म नहीं हुआ है, समाज के भीतर का विपक्ष खत्म हो रहा है। क्या इस प्रक्रिया को हम रोक सकते हैं? बहुत लोग कहते हैं कि इस प्रक्रिया को हम नहीं रोक सकते हैं। इस प्रक्रिया की को बहाल करना और राजनीतिक विकल्प को बनाना दोनों दो अलग चीजें हैं। राजनीतिक विकल्प को बनाने के लिए अगर जब तक हम समाज के भीतर विपक्ष को बड़ा नहीं करेंगे, राजनीतिक दलों के भीतर विपक्ष या लोकतंत्र नहीं आएगा। अगर समाज का विपक्ष बड़ा होगा तभी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं को पर दबाव जाएगा कि उनके भीतर कोई नीति बनाने से पहले क्या कोई बैठक हुई। हम नहीं जानते कि नई शिक्षा नीति लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कोई सम्मेलन किया हो अपने शिक्षा मंत्रियों का। हालांकि शिक्षा मंत्री और लाखों ज्ञान सभाओं तक जाने की बात करते हैं तो एक्चुअली मैं नहीं कह सकता, हो सकता है दो लोगों से उन्होंने बात भी की हो, लेकिन यह कोई सामान्य प्रक्रिया नहीं होती है कि उस विचारधारा से जुड़े हुए लोग अपने पार्टी के भीतर बहस कर रहे हो या जिला से प्रस्ताव जा रहा हो। ये तरह की सारी चीजें खत्म हो गई हैं। और तो इसमें समाज के भीतर विपक्ष यानी लोकतंत्र कैसे बनाया जाए, इसमें सबकी बहुत बड़ी भूमिका है। और क्योंकि हम हमेशा उस मीडिया तंत्र की तरफ देखते हैं, इसलिए अपने आप को असहाय पाने लगते हैं। मुझे लगता है कि उसकी ताकत बरकरार रहेगी क्योंकि जिस तरह से पूंजी है उसके पास, और ये जो टेक्नोलॉजी का खेल है एल्गोरिदम का, जो ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, सिग्नल, ये 10 तरह के जो चीजें प्लेटफॉर्म बनी हुई हैं, वो एक तरह से आपको ये एहसास दिला रही है कि इसके बगैर आप लोग ही नहीं हो सकते, इसके बगैर आप लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं लड़ सकते हैं। अपनी भाषा बदल लीजिए, अपनी लड़ाई बदल लीजिए, अपनी चिंताएं बदल लीजिए। मुझे लगता है कि इन सब पर सोचे जाने की जरूरत है। हमें गांधी से सीखने की जरूरत है यहाँ पर। गांधी जी क्या करते थे? गांधी जी बड़े कम्युनिकेटर थे अपने जमाने के, और उस जमाने में भी जब वो हिंदुस्तान में सक्रिय हो रहे हैं तो पश्चिम के देशों में टेलीविजन बहुत सक्रिय हो चुका था। तब अमेरिका में टेलीविजन या टेलीग्राम बिजली से ज्यादा उसके आने से पहले फैल चुका था और अपना असर दिखा रहा था। लेकिन गांधी उससे प्रभावित नहीं होते, खुद अखबार जरूर निकालते हैं, और लेकिन वो पहले अखबार के से पहले लोगों के बीच जाते हैं। आप याद कीजिएगा जब वो चंपारण जाते हैं तो कहते हैं कि प्रेस से अनुरोध करते हैं कि आप कुछ दिन तक मेरे संपर्क में ना आए, मुझसे दूर रहें। जब वो गए थे पत्रकार कराने पर, फिर भी सर प्रताप के प्रतिनिधि थे वो उन्हें राजकुमार शुक्ल गए और इन खबरों के चलते गए पत्रकार के दावे पर, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी वो जनता को समझना चाहते हैं। तो आप ना, तो गांधी ने मीडिया के मार्फत जनता को समझने का प्रयास नहीं किया। आज ज्यादातर लोग मीडिया के मार्फत जनता को समझने का प्रयास कर रहे हैं और चूक कर रहे हैं, क्योंकि उसके मार्फत से अगर आप प्रयास करेंगे तो कई तरह के धोखे खाएंगे। एल्गोरिदम एक चीज होती है। आप इस मीडिया तंत्र जिसमें न्यूज चैनल और ये सब है, ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह वगैरह हैं, उसको मैं इसमें एक तरह के खास जो एल्गोरिदम का फॉर्मूला है, आप यूं समझिए कि
आप अगर आप एक खास तरह के कंटेंट को सर्च करते हैं चार दिन तक, तो पांचवें दिन से आपको ये भी आने लगता है, उस लाइन में वो फ्रेम करता है कि आपके सोचने की दिशा ये है, तो फिर एक वीडियो भेजेगा आपको जो ये बताएगा कि होलोकास्ट हुआ ही नहीं था, हिटलर ने 60 लाख यहूदियों को नहीं मारा था, और उसके प्रभाव में ऐसी पीढ़ी है जो यकीन करती है कि इस तरह का जिनोसाइड नहीं हुआ था, और ये सभी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से किए जाते हैं, ये बड़ा खुलासा था, लेकिन अभी भी ये प्रक्रिया नहीं रुकी है। लेकिन इसने जो किया है वो ये समझिए, इसने किया ये है कि रेफरेंस पॉइंट बदल दिया है, सोचने का जो प्रस्थान बिंदु है उसमें बदलाव कर दिया है पूरी तरीके से। एक ऐसी पीढ़ी है जो वाकई मानती है कि जीनोसाइड नहीं हुआ था, लाखों यहूदी नहीं मारे गए थे, जबकि अभी भी उस तरह के केंद्रों के जो पूरा फिजिकल स्ट्रक्चर है वो आपका मौजूद है। तो आप देखिए कि ये एक चीजें हैं कि वो आपको ले आता है कि आप लाइक और डिसलाइक पकड़ लेता है, तो आप भी देखिएगा कि आप डिसलाइक पर हैं वहीं पर और लाइक, वो दोनों एक एल्गोरिथम के प्लेटफॉर्म पर आपको खेल खिला रहे हैं, मतलब आप जिसको डिसलाइक कर रहे हैं उसी के पीछे पीछे घूम रहे हैं लाइक डिसलाइक करने के लिए, या उसको उसके कंटेंट को देखकर गुस्साने के लिए, जान गए हैं कि ये गोदी मीडिया है, इसका काम यही करना है। तो और एक और पतन, ये लिखने वाले बहुत सारे लोग जो उस मीडिया के आलोचक हैं और उसके जो को प्लेटफॉर्म है, जैसे टेलीविजन का को प्लेटफॉर्म है ट्विटर, फेसबुक को प्लेटफॉर्म है इन सब का, और ये सब एक डिजाइन टेक्नोलॉजी के जरिए, आप फेसबुक के ही प्राण को समझें, तो बड़े पूंजी मिलकर एक तरह की खास राशि को बढ़ावा देना, वही उद्देश्य है कि 2% लोग अमीर हैं बाकी सब गरीब हैं, उसको प्लेटफॉर्म में आपके लाइक और डिसलाइक पर फंसे रहते हैं, जो बड़े फेसबुक यू वो सौर के कह चुके हैं न्यू लोग, लेकिन फिर भी कहने वाले हैं तो वहां बने रहकर उन प्लेटफॉर्म पर बने रहे, उन्हें लगता है कि आप इस प्लेटफॉर्म पे बने रहकर आप लड़ लेंगे, लेकिन एल्गोरिथम से आपके बारे में पहुंचेंगे आपकी तरह सोच क्या कोई व्यक्ति अगर सर्च कर रहा है वो उसी का पैटर्न है, मान लीजिए कि वो चार गांधी जी के बारे में पढ़ रहा है और लगातार पढ़ता है, तो एल्गोरिथम उसको गांधी के की सराहना में लिखे गए या गांधी के ही अपने कोई पुराने पैम्फलेट को ये नारी जी ने कहा था आप गांधी का सर्च करते हैं, उसी तरह से वो पढ़ता है, तो वो आपको ले आएगा जो गांधी बाद में शादी करता बाद में देती है और उसको वापस कर, ये भी एक व्यू है गांधी का, तो लाइक इस लाइक के खेल में ही होता है, और बाहर लगता है बहुत वो भी उसी से होने लगते हैं, अगर आप मेहनत के लिए तो वो जो आलोचक हैं वो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन अगर आप ऐसे इस तरह हरकत करने वालों की भाषा में लिखें तो आपको हर लाइन मिल जाएगा, यानी कि जो लोग इस अवस्था से नाराज हैं इसके आलोचक हैं उनके प्रतिक्रिया है, लाइक या डिसलाइक दो में कोई अंतर खास नहीं है, तो इसलिए आपको बाहर जाना पड़ेगा क्योंकि इस प्लेटफॉर्म में आपके पास कुछ बचा नहीं है, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी जरूरत भर का, पर इसका सक्रियता बढ़ाकर इस पर बढ़ा रख सकते हैं, लेकिन अपनी ऊर्जा का व्यापक हिस्सा इस पर नहीं लगा सकते। तो गांधी क्या करते थे, गांधी जी इस बात को जानते थे कि जब वो अपने कम्युनिकेशन के जरिए आंदोलन जब उनका पीक पर पहुंचा, जहां उनका कम्युनिकेशन पीक पर पहुंचा, वो एक तरह से पीछे हटते थे और रचनात्मक कार्यों में चले जाते थे, आश्रम चले जाते थे, आश्रम की गतिविधियां पूरी बदल जाती थी, संगीतात्मक हो जाती थी, म्यूजिकल हो जाती थी, योजन का है या क्रिएटिव हो जाती थी, सुधारना कुछ क्रिएटिव काम है,
के काम में कुछ जाते थे, जीवन चले जाते। तो इससे जो आप लोग हैं अपनी अपनी भूमिकाओं को फिर से उसमें डालने की जरूरत है कि आप पहले से ही उसके स्थिति में टेक्नोलॉजी के भरोसे आपको कभी भी उम्मीद रास्ता नहीं देगी, बल्कि आपको इस तरह से चिन्हित चली जाएगी कि स्टेट के लिए बहुत आसान होगा किसी सामाजिक कार्यकर्ता को चिन्हित करके देश देशद्रोही बात दिया जाए। प्रशांत भूषण के मामले में चीफ जस्टिस ने कहा एक्टिविस्ट होना बुझाती है, लक्ष्मण रेखा अलग से रेखा वाली अलग बैठ, लेकिन उन्होंने एक पहले वाक्य में जो कही है कि एक्टिविस्ट होना बुरा नहीं है, ये अच्छी बात है कि चलिए सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि एक्टिविस्ट होना बुरा नहीं है, पर आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आप सब वो लाजवाब लोग हैं, देखिए बहुत कम जिंदगी में पाया आपने, लेकिन कुछ चीजें जो है आपकी क्षमता या दायरे के बाहर हो गई, और जब टेक्नोलॉजी आई और उड़ा कर ले गई तो आपने समझा कि वो हम यहाँ पर नहीं थे इसलिए हम लोग मार्जिनलाइज हो गए, नहीं आप जहाँ थे आप जैसे लोगों को या आप जैसी सोच रखने वाले लोगों को हाशिए पर पहुंचाने के लिए ही इस तरह की टेक्नोलॉजी का जन्म हुआ है, जो अपने इंटरेस्ट से जैसे क्या की सोचने वाले समाज को बड़ा कर देते, उसके फॉलोवर को बड़ा कर देते, तो उसमें आपकी कोई बहुत बड़ी गलती नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि हम उस नेगेटिव जिससे कहते हैं लाइक डिसलाइक की सोशल मीडिया का जो प्रसार प्रसार है जनता के दिमाग से जनता का होना ही निकाल दिया है, उसका रास्ता आप पास है, उसका रास्ता ये है कि आप जहाँ समाज में अपने संगठन में अपनी भूमिका को प्रकाशित करने और उसे फिर से पेश करने की जरूरत है, लोगों को बताने की जरूरत है कि सामाजिक कार्यकर्ता कोई आसान होना कोई आसान चीज नहीं और इसके होने का कोई असर नहीं होता है ये भी सही नहीं है। ठीक है कि किसी ने आपको ना जाना पर आप सबके काम की भावना तो सबके पास थोड़ी थोड़ी पहुंची, नहीं पहुंची होती तो इस बार जब खूब मजदूर बाहर जा रहे थे पहले चल रहे थे, तो ऐसे लोग जो सामाजिक कार्य जिन्होंने कभी जीवन में नहीं किए थे अगर उनको पता है कि सामाजिक कार्य होता क्या है, उन लोगों ने चंदा जमा किया अपने घर से पैसा निकाला फल सब्जी रोटी खाना लेकर सड़कों पर खड़े रहे लोगों को खिलाते थे, तो ये एक जज्बा आता है पर वो आप उसको संगठित ना होने की वजह से उस जज्बे को समाज में मान्यता नहीं दे पाते, और इसी प्रकार के एक समानांतर सामाजिक काम करने का दावा करने वाला संगठन अपनी राजनीतिक इकाई के जरिए अपने काम को कुछ जरूरत से ज्यादा मान्यता दिला देता है, घटना होती नहीं तस्वीरें चली आती कि ये लोग भी मदद कर रहे हैं और आपकी जिंदगी में आपने कितना कुछ किया होगा उसकी एक तस्वीर नहीं होगी, लेकिन वो तस्वीर मीडिया के जरिए कभी नहीं पहुंचने वाली है क्योंकि वो एम्पलीफाई नहीं की जाएगी, पर क्या इसका पावर हमेशा मीडिया के पास रहेगा, इससे पहले कि देर हो जाए अपनी क्षमता में झांककर देखना चाहिए कि आपके भीतर क्या संभावनाएं हैं। मुझे लगता है कि इस वक्त आश्रमों में लौट गांधी जी की तरह रचनात्मक अहिंसक और सुंदर रचनात्मक प्रवृत्तियों की तरफ लौट कर हम सूचनाओं का के विकल्प में, ये चूंकि सूचनाएं पवित्र सूचनाएं तो अब रही नहीं, वो सरकार की तरफ से आएंगी नहीं, मीडिया अब खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी हम समाज के भीतर से पवित्र सूचनाओं का निर्माण कर सकते और उन सूचनाओं के आधार पर हम एक नई समझदारी आप सभी लोग बन सकते हैं, ये भरोसा आप सभी में होना चाहिए, ये पब्लिक कॉन्टेक्ट यानी अपने तरह के लोगों से मिलने जुलने और उनके तरह के लोगों को भी समझने का दौर है जिसे
जिन्हें लोग देखते हैं कि धिक्कारते रहते हैं, तिरस्कृत करते रहते हैं, मुझे लगता है कि उन्हें भी समझने की जरूरत है कि उनके अंदर क्या ऐसी बात हुई है कि हिंसा को जस्टिफाई करने लगे हैं। क्या कोई 100 बार कहने से कि हाँ हाँ हत्या करना सही है, 101 बार में हत्या कर सकता है, इन सब चीजों को समझने की जरूरत है, उसकी धार्मिकता को, उसके अंधविश्वासों को और उसकी आक्रामकता को, वो इतना आक्रामक क्यों है, उसके लिए क्यों इस मोड पर इस तरह से एक धार्मिक पहचान की स्थिति बनी है, क्या वो कभी नहीं निकल पाएगा। मुझे नहीं लगता कि कोई व्यक्ति हिंसा के आगोश में इतनी देर तक रह सकता है, नहीं रह सकता है। उसे ठीक किया जा सकता है, उसके प्रति उसके नजदीक जाकर उससे संबंध बनकर उसे ठीक किया जा सकता है। अंत में आप कुछ भी करेंगे, बदला उसी को है। उसी को बदलने के लिए इतनी बड़ी न्यायिक संस्थाएं बनी हुई है, कोर्ट है, जेल है, पुलिस है। अगर कोई अपराध करता है तो उसको बदलने के लिए सारी चीज है, तो इसका मतलब यह है कि उसके बदलने की जो लड़ाई है वो स्टेट भी अपने तरफ से एक से लड़ती है, हालांकि वो जेल में सड़ाने का इस्तेमाल करती है लोगों को। तो इसलिए हमें भरोसा रखना चाहिए कि आप लोग का जो काम है वो इस बदलते दौर में किस तरह से टेक्नोलॉजी ने एक सूचना और जनता के बीच में एक दीवार खड़ी कर दी, जो पहले बताकर आई थी कि वो सूचना को डाइवर्सिफाई कर रही है, आसान बना रही है, लोगों के लिए हर पल सर्व सुलभ उपलब्ध करा रही है, लेकिन अब ऐसा है नहीं। अब हम उसके खेल को समझ गए हैं कि झूठ की संरचना से एक मानसिक सोच में लोकतंत्र का विस्थापन किया जा सकता है, दिमाग से डेमोक्रेसी हटाई जा सकती है और उसकी जगह पर हम कुछ और ला सकते हैं। तो इसलिए आप बात बात पर ऐसी भीड़ को देखेंगे कि जो जाकर मार रही है, ये भीड़ समाज के भीतर पहले भी थी, आगे भी रहेगी, इस तरह से मल्टीप्लाई नहीं हुई। लेकिन दूसरी तरफ सही बात करने वाले, उससे गलत कहने वाले इंडिविजुअल लोग दिन रात पीछे पिछड़ते हुए चले आ रहे हैं। तो ये टाइम है कि हम लोकतंत्र को फिर से रीडिफाइन करें और रीइमेजिन करें, उसकी कल्पना को हम एक तरह से उसको पेश करें, क्योंकि आप ये देखें कि एल्गोरिथम का एक ही काम है कि वो टेक्नोलॉजी कहती जरूर है कि वो सूचना के लिए आई है, लेकिन वो सूचना विहीन समय का निर्माण कर रही है और सूचना विहीन समय में जनता के पास समय नहीं है जीवन के अलावा, जीवन जीने के अलावा। तो वो जब वो रात को लौट कर आती है तब तो उसको सैनिटाइज किया जाता है व्हाट्सएप के जरिए, टेलीविजन के जरिए, डिबेट के जरिए, जिसमें एंकर जो है वो तलवारें भाज रहा होता है। पर आप देखें कि उसी का एक वर्जन है, बंद हुआ था टिकटॉक, उसमें जाकर देखना चाहिए। लोगों ने एक तरह से देखा कि ये कला की अभिव्यक्ति का लोकतांत्रिक मंच है। आप फिल्म में एक्टर नहीं कर सकते, एक्टिंग नहीं कर सकते, बहुत से लोग नाटक नहीं कर सकते, बहुत सारे लोगों को सीरियल में मौका नहीं मिलता, तो वो इस तरह से अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, पॉपुलर हो रहे हैं। गलत बात, मुझे इस विश्लेषण से समस्या है और मैं ये बार बार कहना चाहता हूं कि इस मीडिया तंत्र के किसी भी प्लेटफॉर्म पर जबरदस्ती आप लोकतांत्रिक कैरेक्टर ढूंढने का प्रयास ना करें, क्योंकि इसका मकसद यह है आपके भीतर की लोकतांत्रिकता को खत्म करना। आप छोटे मोटे असर पैदा करने वाली घटनाओं को लेकर आप इसका महिमामंडन ज्यादा न करें, आप रहें इस पर, इससे अनुपस्थित ना रहें, मगर विकल्प इसके जरिए नहीं बनेगा और इसके भीतर नहीं बनेगा, विकल्प इसके बाहर बनेगा। इसमें ये जो समय है ये कंफ्यूज रहने का नहीं है, ये सबसे क्लियर समय है कि एक तरफ मीडिया तंत्र है और उस तंत्र में रहने जीने वाला समाज है और एक दूसरा समाज है जो अभी उस तंत्र का उतना बहसा नहीं हुआ मगर उस तंत्र का असर जरूर है। तो टिकटॉक ने उसको मैंने दूसरे तरीके से देखा। मैं रविवार को काफी देखा करता था, मेरा समय होगा तो बता दीजिएगा कि ज्यादा मैं ना बोलने लगा हूँ,
तो मैं दिखा करता था कि ये क्या चीज है, क्यों तो लोगों के हाव भाव इस तरह से हो रहे हैं। वो कलात्मक अभिव्यक्ति नहीं थी। अगर थिएटर में जाने की आपके भीतर काबिलियत है तो उसकी गरिमा गंभीरता होती है, वो तो वहां नहीं थी। सिनेमा के पर्दे की गरिमा गंभीरता होती है, वो तो वहां नहीं थी। जो मीडिया तंत्र ने आपको सूचना विहीन बनाया था उसी की कलात्मक अभिव्यक्ति थी। लोग इस तरह से अपने आप को डांस और वीडियो के जरिए, विकृत वीडियो के जरिए अपने आप को तरह तरह से पेश करते थे, जिससे लगता था कि अभिनय नहीं, अभिनय हमारी सोच और समझ की एक श्रेष्ठ अभिव्यक्ति है। वहां भी ये एक मानव का एक सांस्कृतिक, कह सकते हैं कि एक सुंदर सांस्कृतिक उपलब्धि एक मानव ने जो रचना की अभिनय संसार की, जिसमें कविता है, कहानी है। दुर्घटनाओं मर जाने वाले लोगों पर भी वहां पर मजाक चल रहे हैं, वीडियो चल रहे हैं कि वो गए थे कमाने के लिए, मर गए सड़क पर। जो मजदूर, जिन मजदूरों को देख कर आप लोग व्यथित हो रहे थे, टिकटॉक पे इस तरह के सैकड़ों वीडियो बने थे जिसमें उनके पैदल चलते हुए मर जाने, दुर्घटनाग्रस्त हो जाने या भूखे प्यासे कहीं लू से लग जाने का मजाक उड़ाया जा रहा था। जो स्टेट की जनता थी वो इस तरह से बन चुकी है, उसको मालूम नहीं है कि वो स्टेट का पार्ट हो चुकी है, उसे लगता है कि यही नॉर्मल है। तो वो इस तरह से उसका एक वीडियो उदाहरण था कि कैसे समाज में लोकतांत्रिकता, संवेदनशीलता खत्म हो गई है। तो इसलिए आप वहां पर और वैकल्पिक वीडियो बनाकर कुछ हासिल नहीं कर सकते। कुछ जरूर बनाए, कुछ जरूर बातों को रखें, लेकिन उसका जो एल्गोरिथम है कि वो उन्हीं बातों को ऊपर ले आएगा सीक्वेंस में, जिन बातों की दुनिया उसे बनानी है। उसका मकसद बहुत स्पष्ट है। व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक का मकसद बहुत स्पष्ट है कि लोगों के दिमाग से प्रश्न करने की क्षमता और साहस को खत्म कर देना। अगर आप स्टेट की जनता बनकर किसी को गाली दे रहे हैं, किसी को धमकी दे रहे हैं, किसी को ट्रोल कर रहे हैं, तो उससे मान्यता देता है, वो समाज के भीतर से ट्रोल पैदा करने आया है। और ये ट्रोल कुछ और नहीं है, ये स्टेट की जनता है, स्टेट का एक्सटेंशन है। तो इस ट्रोल से आप उसके प्लेटफॉर्म पे लड़ेंगे तो ये उसका मैदान है, वो शर्तें तय करेगा और आपको ब्लॉक करेगा, आपके पेज की रीच को कम करेगा, बहुत मुश्किल है। तो इसलिए ये लड़ाई जो है, आप सबका काम अलग अलग क्षेत्रों में आप लोग काम करते होंगे, कोई पर्यावरण को लेकर काम करता होगा, कोई प्राथमिक शिक्षा को लेकर काम करता होगा, कोई भाषा को लेकर काम करता होगा, लेकिन हम सबका जो आप सबका काम है वो इस लोकतांत्रिकता के पुनर्निर्माण का काम है। और इसका 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 एक चारित्रिक निर्माण आप कर सकते हैं। गांधी के पास थी ये क्षमता, गांधी ने ये करके दिखाई, वो करना ही चाहते थे कि मैं यही करूंगा, और ये किए बगैर किसी आजादी का मतलब नहीं होता। हमने ये काम सबने छोड़ दिया था, हम अपने ज्ञान को अपने पास रखते हैं, लेकिन वो अपनी अज्ञानता बांटने के लिए, उसका वितरण करने के लिए उन्होंने कितने प्लेटफॉर्म बन लिया, आप ये देखिए। उन्होंने लगा कि वो लाइब्रेरियों में जाकर मुकाबला नहीं कर सकते, वो क्लासरूम में जाकर मुकाबला नहीं कर सकते, तो उन्होंने क्या किया, ट्विटर और मीडिया टेलीविजन को गुलाम बनाकर, व्हाट्सएप मीम के जरिए तमाम संसाधन लगाकर उन्होंने अपने ज्ञान की दुनिया स्थापित कर दी, जिससे आप अज्ञान कहेंगे, आप उसको आप कहेंगे ये नॉलेज नहीं है, वैसे नॉलेज के रूप में स्थापित कर दिया। एक ऐसे समाज को इतने लंबे समय तक के लिए शिक्षा से, अच्छी किताबों से, लोकतांत्रिक बातों से दूर रखा गया, और अचानक मीम के जरिए नेहरू के बारे में दिया गया, तो पहली उसकी जो प्रतिक्रिया थी वो खुश होने की थी। उसी तरह से जैसे कोई ऑक्सफोर्ड में आकर गर्व करता होगा, या यूनिवर्सिटी में, या अच्छे प्रोफेसर
प्रोफेसर की क्लास में कि मैं इस प्रोफेसर की क्लास में आया हूँ, वो बहुत खुश हुआ कि अच्छा वो भी जानने लगा है। तो उसके हम जानने की प्रक्रिया हमने दूर रखा था उस समाज को, अब हम उस समाज को उलाहना नहीं दे सकते, इसलिए उस समाज के पास हमें जानना पड़ेगा और जानने की नई प्रक्रिया स्थापित करनी पड़ेगी जो बहुत आसान है। आपका काम मुश्किल तब होगा जब आप उस मीडिया तंत्र के प्लेटफॉर्म से कुछ हासिल करना चाहेंगे, तो समय भी बर्बाद होगा और मुश्किल भी होगा। तो मेरी जो समझ बनी मैं वही कह सकता हूँ कि समाज निर्माण और समाज के भीतर विपक्ष और लोकतंत्र के निर्माण का काम अब बगैर मीडिया के ही होगा, या मीडिया तंत्र जिसे आप कहते हैं। मुझे नहीं लगता कि इस प्लेटफॉर्म की भूमिका है, आप कुछ भी कमाल करते हैं मगर ये आपको वो काम नहीं करने देगा, ये माध्यम और आपको एक तरह से संदिग्ध बनाएगा, जिससे आपके एक व्हाट्सएप मैसेज को लेकर आपको जेल में डाल दिया जाए, आपके हर अभिव्यक्ति को संदिग्ध बनाने के लिए एक प्रमाण उपलब्ध कराया, सामान्य हंसी मजाक क्षणों को भी वो आपराधिक दस्तावेज के रूप में पेश कर देगा। तो बात हमें समझने की जरूरत है, एक बुनियादी सूचना या कम्युनिकेशन का काम उनसे पहले हो सकता है, पर उन्होंने जो लोकतंत्र के भीतर एक अपना नया मैदान बनाया है, हम उनके एस्ट्रोटर्फ पर नहीं खेल सकते, वो बहुत बड़ी लड़ाई हो गई। मेरे कार्यक्रम को कई टेलीकॉम प्लेटफॉर्म उठा देते हैं, नहीं पहुंचा है तो मैं घंटों मिनट करता हूँ वो कमरे में रह जाए, तो क्या विकल्प है, कैसे लोगों तक पहुंचा जाए। मैं सारा विकल्प इसी में ढूंढता हूँ, कैसे चर्च में नहीं पहुंच सकता, फेसबुक गूगल टेलीविजन चैनल के जरिए हम लोगों तक नहीं पहुंच सकता और आप भी नहीं पहुंच सकते इतनी मेहनत की ऊर्जा लगाने के बाद भी, लेकिन उससे कम मेहनत में मैं लोगों के बीच पहुंच जाता हूँ दूसरे तरीके से, उनसे सीधे बात करके, भले ही वो संख्या में एक होती है, हजार मैं लाख की तलाश में होता हूँ, क्योंकि वो आपके भीतर जुनून पैदा कर रहा है। जब तक आपकी आपकी लिखी हुई बात 10 लाख लोगों ने नहीं पढ़ा, आप साथ नहीं है, एक तरह से आप नहीं हैं, क्योंकि वो ज्यादातर लोगों को पहले आपकी बात नहीं पहुंची थी, लेकिन पहले इस तरह की अज्ञान बातें जो ज्ञान नहीं है वो लोगों तक नहीं पहुंचती। तो समाज अपने अनुभवों को, जो व्यक्ति है वो सामाजिक परंपराओं को भले क्वेश्चन नहीं करता था मगर उसके आचार व्यवहार से जीता था कि बड़े हैं ठीक है कुछ कह रहे हैं, लेकिन अब वो उसकी भी परवाह नहीं करता, वो स्टेट की जनता बन के अपने से उम्र दराज को भी वो पीट सकता है, वो मार सकता है। तो इसे वहां पर हमें गांधी आश्रम पद्धति की तरफ आपको देखना चाहिए, भरोसा करना चाहिए कि लोगों से जुड़कर लोगों के बीच उनकी कहानियों का नया सूचना संसार रचा जा सकता है। अगर ट्विटर और फेसबुक से एक नई सूचना संसार रचना हो सकती है, उससे बगैर भी नए सूचना संसार की रचना हो सकती है। समय नहीं तो मैं बाकायदा इस पर एक प्रोजेक्ट पेश करता हूं कि वो किस तरह से किया जा सकता, लेकिन वो मेरी पढ़ाई अभी आधे में रह गई है, मैं वहां तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन ये किया जा सकता है। इसे लेकर किसी प्रकार के कंफ्यूजन में रहने की जरूरत नहीं है, टेक्नोलॉजी को आप उतना ही जाने कि आप जूम ऑपरेट करें, लेकिन ये ना समझे कि जूम नहीं आएगा तो आप कुछ नहीं कर सकते, बल्कि इसे ये एक बहुत सारे काम का एक काम होना चाहिए, लेकिन जो असली काम है लोगों के बीच जाना, ज्ञान का जो आपने किताबें पढ़ी है उनका डिस्ट्रीब्यूशन करना, लोगों ने नहीं किया। साधारण बैकग्राउंड से आया था, अच्छे अच्छे प्रोफेसर को मैं देखा था, वो पूरी क्लास से रुककर बात नहीं करते थे, और मैं बड़े कमाल के प्रोफेसर से पढ़ा हूँ, जाकर टुक जाता था, डेमोक्रेटिक आदमी, 20 साल के लड़के से बराबर बैठ के बात नहीं करते थे, वो करते थे, लेकिन आधे अपने तरह के लोगों को चुन लेते थे फिर करते थे। उसके बाद उन लोगों ने मुझ पर भी ध्यान देना शुरू किया, बातें करने शुरू की, तुम क्या पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, तो एक टीचर मैंने देखा कि कितना बदल सकते हैं वो लोगों से जो उनके पास नॉलेज है, ट्विटर से किताब पकड़ा देने से कितना कुछ आदमी बदल सकता है। मैं बिल्कुल उन्हीं की तरह का लोग हूँ जिसे कोई ट्विटर और फेसबुक से अपनी आंधियों में उड़ा ले जा सकता था,
लेकिन मुझे कुछ ऐसे लोगों ने बचा लिया जो मेरे साथ अपने नॉलेज को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, शेयर कर रहे थे। बहुत सारे मेरे दोस्त मेरे क्लास के ऑक्सफोर्ड गए और दुनिया के तमाम यूनिवर्सिटी में गए। उन्होंने इतिहास पर बड़ी अच्छी पीएचडी की बहुत अच्छी किताबें लिखी, लेकिन आम जनता को चार लाइन समझ में आ जाए उस पर एक पोस्ट आज तक नहीं लिखा है उन्होंने। उनका ये कहीं नहीं है कि चार किताबें पढ़कर बातें हो रही हैं, इस पर एक ढंग से पोस्ट लिख दें, पूरी दुनिया में नहीं पहुंचेगी, उनके चार रिश्तेदार तो पढ़ लेंगे। तो हमने ज्ञान को अपने भीतर रखा, अपनी उपलब्धियों के लिए रखा, और हमने ये भरोसा बना लिया कि इसका वितरण जो है सार्वजनिक वितरण सिर्फ मीडिया तंत्र के प्लेटफॉर्म से होता है। हमें लगता है कि थोड़ा इस पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। अगर आप नए लोकतांत्रिक समाज की रचना करना चाहते हैं तो नए मीडिया समाज की रचना भी सोच लीजिए, और वो ट्विटर और फेसबुक के जरिए उसके मैदान में रहकर आप नहीं कर सकते। तो ये एक तरह का जो मुझे अपने काम करने के दौरान की चीजों का जो एक्सपीरियंस है वो मुझे लगता है कि कोई ज़करबर्ग अगर फेसबुक बनाकर इस तरह का एक मीडिया खड़ा कर सकता है, सारे नगेटिव के प्रवाह को रोक सकता है, उसका क्रम बदल सकता है, उसकी प्राथमिकताएं तय कर सकता है, एक कंपनी लाखों क्या सोचेंगे। स्वाभाविक प्रवृत्ति ने मैंने पोस्ट किया और वो पोस्ट स्वाभाविकता के साथ लोगों के शेयर करने के साथ बढ़ता चला जाए, वो कहीं ना कहीं आकर रुक जाता है या रोक दिया जाए। इसलिए उस प्लेटफॉर्म में रहें, उसके उसके भीतर उसका जरूरत के हिसाब से ही इस्तेमाल करें। लेकिन आप जिस तरह के सामाजिक कार्यकर्ता लोग हैं, अलग अलग संगठनों का काम करते हैं, अपने भीतर विश्वास पैदा कीजिए। ये वही समय है जिसमें आपकी रेलिवेंस पहले से कहीं ज्यादा हो गई है। आपने अभी तक जो अनुभव संचित किए हैं उसी के प्रदर्शन का ये इम्तिहान का ये वक्त है। लोगों को ये बताने का कि सामाजिक कार्यकर्ता कोई बेकार काम नहीं होता है। हमें ये समझना चाहिए कि लोकतंत्र का काम करना बेकार काम नहीं होता है। वो सिर्फ पानी के बचाने के लिए नहीं लगा है, वो सिर्फ पर्यावरण को बचाने के लिए नहीं लगा है, लोकतंत्र को बचाने के लिए भी लड़ता है कि जब वो सवाल पैदा कर रहा है तो समाज के लिए वो सवाल पैदा कर रहा है। इसलिए आप सबकी प्रासंगिकता पहले से कहीं ज्यादा है, आप सबकी भूमिका पहले से कहीं ज्यादा है, और पहले से ज्यादा हमें उम्मीद रखनी चाहिए। ये जो दिल्ली में कुछ जरूर संवैधानिक संकट हम नमूने देखते हैं कि कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं को दिल में ठूंस दिया गया है, ये हम सबको भुट्टे की तरह मक्के की तरह कढ़ाई में रखने का आप सबको में मतलब आपको कढ़ाई में रहने का प्रयास है। आप उसी की रेत में गर्म रेत में उछलते रहे, कढ़ाई से बाहर भी दिया है मक्के के लिए पूरा खेत बैठा हुआ है। मुझे लगता है कि जो भी आपने देश और समाज के लिए चार विषय होगा, एक असक्य लोकतांत्रिक और सुनने वाला, दूसरे की व्यथा से करुण रखने वाला, एक नागरिक निर्माण की दिशा में जो भी आप करेंगे उसका नतीजा निकले। लड़ाई मुश्किल जरूर है, लेकिन ये असंभव लड़ाई नहीं है। ये तभी आपको असंभव नजर आएगी जब आप शाम को टेलीविजन खुलेंगे, ट्विटर पर रहेंगे और फेसबुक का लाइक डिसलाइक देखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद आप सभी का। आप लोगों ने इतना लंबा मुझे सुन लिया, धन्यवाद रवि जी। आपने जिस तरह से खुल के टेक्नोलॉजी के माध्यम से सोशल मीडिया के ट्रैप में जो जनता से आ रही है, खुल के आपने बात बताई और लोकतंत्र को पुनर्स्थापित करने के लिए जो आपने रोड बताया बहुत बढ़िया है, और इच्छा मार्गदर्शन आपने बात रखी है। बाकी आपका अभी तक का सर बहुत प्रशंसनीय है, आप वन मैन आर्मी की तरह जो लड़े हैं इंडियन न्यूज चैनल राष्ट्रीय सर्वे पे, काफी प्रेरणा देती है। आपने समय निकाल के हम सब लोगों को जो मार्गदर्शन किया उसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद। इस सत्र के बाद मैं आमंत्रित करता हूँ महाराष्ट्र के सतनम लोकशाही संविधान 50 साठी जे महाराष्ट्र राज्यभर
वेगवेगळ्या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून जागर करतात आमचे साथी शाहीर समाजी वर्ग. चालू करा. मित्र अत्यंत रविकुमार यांचं भाषण ऐकलंय आणि त्यांच्या नव्या पद्धतीनं समाजात आणि सोशल मीडिया आणि बाकी प्रक्रियेकडे होण्याची एक प्रकार मोठे मी फक्त पाच सात मिनिटं बोलणार आहे. संविधान मला महाराष्ट्र फोरम निमंत्रित केला तेव्हा मला त्यांनी डॉक्टर मला म्हणाले होते की संविधान बद्दल जे काही काम चालले आहे त्याच्या बाबतीत पण बोला आणि एक गीत पेश करा. तर जे काम चाललेलं आहे त्या बाबतीत पहिल्यांदा मी बोलतो की आता दोन दिवसांपूर्वी भारतीय संविधानाची मूल्यव्यवस्था अभ्यासक्रमामध्ये समाविष्ट व्हावी. सर्व पातळ्यांवर नागरिकशास्त्राचं पुनर्रचन व्हावं पुनर्रचना व्हावी आणि शिक्षकांचं प्रशिक्षण व्हावं या त्या दृष्टीने अशा पद्धतीने ती मागणी एक सव्वा तीन दीड महिना मी सगळ्यांनी लावून धरली होती. 61 संघटना होती त्याच्यात नाटककार कवी हिसवे होते सुभाष वारे गणेश देवी या सोबत म्हणजे या अभियानाच्या सोबत आहेत. तर शिक्षण आयुक्तांशी दोन दिवसापूर्वी बोलणं झालं त्याच्या आधी महाराष्ट्राचे शिक्षण मंत्री वर्षाताई गायकवाड यांच्याशी बोलणं झालं आणि त्यांनी सीबीएसईनं जे काही संविधानाच्या मूल्यांचा जो अभ्यासक्रम उघडला आहे त्या बाबतीत पत्र पाठवते असं सांगितलं होतं आणि आमच्या दोन्ही मागण्या शिक्षकांच्या प्रशिक्षणाच्या आणि अभ्यासक्रम समाविष्ट करण्याच्या मागण्या ज्या होत्या त्या त्यांनी सकारात्मकता दाखवली होती. पण त्यांनी ते पत्र पाठवलं की नाही ते अजूनपर्यंत काही कळलेलं नाही त्यामुळे आता इथे काय त्याच्याबद्दल डिक्लेअर करणं मुश्किल आहे. दुसरी गोष्ट संविधानाची मूल्य नीटपणे लोकांमध्ये जावी म्हणून एक मध्ये साहित्य संमेलन झालं त्याला पण खूप चांगला प्रतिसाद मिळाला आणि